नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस मुहिम में कि किस तरीके से आप अपना खुद का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बनाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप ओरियो शेक बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ओरियो शेक बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ओरियो बिस्किट की। ठीक है दोस्तों, ये बिस्किट का पैकेट आता है मार्केट में, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर 5 पीस बिस्किट के होते हैं, 4 पीस हम डालेंगे अपने शेक के अंदर और 1 बिस्किट को हम यूज़ करेंगे अपने जो हमारा जो शेक है उसके ऊपर से हम क्रश करके इसको डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो हमारा शेक है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारे को इस पैकेट को इस तरीके से टीयर कर लेना है, फाड़ लेना है। और अब हम मेज़रमेंट 350 ml का हमारा जो शेक होता है, 350 ml के शेक के लिए ये हमारा 350 ml का ग्लास है दोस्तों, ठीक है। इसको हम 250 ml इसके अंदर हम ले लेंगे मिल्क, इस तरीके से हम इसके अंदर मिल्क ले लेंगे 250 ml। और इसके अंदर जाएगा हमारा क्रीमिका का या हार शेक का, जो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाए, चॉकलेट सिरप। इसको हमें ये 30 ml का हमारा मेजरमेंट है, इसको हमें 15 ml 15 ml लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको हमारे को 15 ml नाप के लेना है, ये 30 ml पूरा नहीं जाएगा क्योंकि जो हमारा ओरियो शेक, जो हमारा ओरियो बिस्कुट होता है उसके अंदर भी चॉकलेट होता है, ठीक है। तो इसलिए केवल हम इसके अंदर 15 ml ही इसको हम यूज़ करेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे ये ओरियो बिस्किट, इस तरीके से इसको ब्रेक करके तोड़ के आप इसको इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये ईजिली क्रश हो सके, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अपने 3 से 4 आइस क्यूब हमारे हम इसके अंदर डालेंगे शेक के अंदर, ताकि जो हमारा शेक है वो एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाए। और वनीला आइसक्रीम इस तरीके से हम इसके अंदर 2 स्क्यूब वनीला आइसक्रीम डालेंगे, ठीक है दोस्तों। वनीला आइसक्रीम की जगह आप एक वाइटनर पाउडर भी आता है, जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि वो पाउडर वो थिकनेस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपके पास डीप फ्रीज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो तब आप उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस वाइटनर पाउडर से आप अपना जो शेक है उसको थिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी, अब हम इसको करेंगे ग्राइंड, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको क्या है, जो हमारा ये अब ये ग्लास की जो है गार्निशिंग कर लेनी है इस तरीके से, चॉकलेट सिरप से, विद दी हेल्प ऑफ चॉकलेट सिरप, इसकी मदद से हम इसको ग्लास की गार्निशिंग कर लेंगे। और जो हमारा ये जो ओरियो शेक है इसको एक बारी जार में एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है हमारे को, ताकि जो बिस्कुट हैं जो वो सारे प्रॉपरली इस ग्लास के अंदर आ जाए। और अब फाइनली जो हमारा ये जो एक बिस्कुट जो हमने बचा के रखा हुआ था, इसको हम इस तरीके से हमारे को क्रश कर लेना है। और क्रश करके हम इसको इस तरीके से ऊपर से गार्निशिंग, एज अ गार्निशिंग के तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से हमारे को ये ऊपर से टॉप अप कर देना है। और ये अब हम इसके ऊपर लगा देंगे लिड, ठीक है दोस्तों। ये लिड लगा देंगे, ये जो है ये आपका जो ओरियो शेक है, ठीक है, ये हो चुका है रेडी, ठीक है दोस्तों। ये ओरियो शेक आपका देख सकते हैं जैसे कि आप, ठीक है, ये आपका हो चुका है रेडी। इसको आपको जो सर्विंग करनी है, इसको आपको एक स्ट्रॉ और एक इसके साथ एक स्पून भी साथ में देना है, ताकि कस्टमर जो है वो स्पून के साथ बिस्कुट को भी खा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ओरियो शेक बनाने का रेसिपी। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है शायद आपको रेस्टोरेंट ना ओपन करना हो, बट आपके किसी फ्रेंड या फिर आपके किसी कलीग को या फिर आपके किसी रिश्तेदार को, आपको उनमें से किसी को रेस्टोरेंट ओपन करना हो, तो शायद ये वीडियो उनके किसी के काम आ सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।